नमस्ते है जी, देरिवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ देरिवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, 12-12 पोर्टल हर साल की तरह इस साल भी दिसंबर के 12वें महीने के 12वें तारीख पे दिन में और रात में 12:12 पर खुलने वाला ये पोर्टल। लेकिन ये सिर्फ इतने देर के लिए ही नहीं, मतलब ये सिर्फ 12 मिनट के लिए नहीं, ये पूरे 10 दिन के लिए है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे 10 दिन 12:12 पे ही करने वाला ये रिचुअल है, लेकिन ये पूरे दिन इसकी ऊर्जा बनी रहती है। सबसे शानदार ऊर्जा होगी 12 तारीख को 12:12 में, रात में भी और दिन में भी, पूरे दिन इसकी ऊर्जा बनी रहेगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है उस पर आपको ध्यान रखना है, और कौन कौन सी चीज़ों को आप कर सकते हैं इस पर भी ध्यान रखना है। 12:12 सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा, 12 घंटे पानी और 12 घंटे मिट्टी। जी हाँ, 12 तारीख से अगले 21 तारीख तक 10 दिनों के लिए, आप समझ पा रहे हैं, 12-21 यानी कि 12:12 जो है अगले 10 दिनों में 12-21 हो जाएगा। हाँ, 2 और 1 आपस में पलट जाएंगे, तो अगले 10 दिनों के लिए आप वह काम कर पाएंगे जो पूरे साल भर में आप नहीं करे, वो आप 10 दिन में कर पाएंगे। कैसे? साल भर में जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो आप इस 10 दिनों में कर पाएंगे। इस साल भर, अगले साल के लिए जो आप चीज़ें अपने भीतर चाहते थे वो आप इन 10 दिनों में क्रिएट कर पाएंगे। जैसी ऊर्जा चाहते थे, जैसा सामर्थ्य चाहते थे, जैसा रूप चाहते थे, जैसा जीवन चाहते थे, वो आप इन 10 दिनों में क्रिएट कर पाएंगे। जैसे रिश्ते चाहते थे आप इन 10 दिनों में क्रिएट कर पाएंगे। कैसे करना है ये हम चर्चा करते हैं अभी। सबसे पहले तो जान लीजिए कि रात के 12 बजे से रात के 12:12 तक ये सबसे ताकतवर पोर्टल होगा। फिर दिन में 12 बजे से दिन के 12:12 तक ये सबसे शक्तिशाली पोर्टल होगा। तो उस टाइम अपने विश को अपने चित्त में, अपने ध्यान में, अपने मानस पटल में, जिसे हम विजुअलाइजेशन भी कहते हैं, उसमें जीना शुरू कर दीजिए। और अगले 10 दिनों तक अपने सारे विशेष को ज़रूर जिए, अपने भीतर में ऐसे रहिए जैसे वो सारे विश पूरे हो चुके हैं। और विश जितने कम हो उतना अच्छा, अधिक से अधिक 12 और कम से कम 1। मैं तो बोलूँ कोई एक ऐसा विश पकड़ो जो आपको चाहिए ही चाहिए इस जीवन में, और वैसा जीना शुरू कर दो। अपने रिश्तों में ऐसे जियो जैसे कि शानदार रिश्तों में आप हैं, अपने फाइनेंस में ऐसे जिए जिससे शानदार फाइनेंशियल हेल्थ आपकी है, शानदार फिटनेस आपकी बॉडी की है, शानदार हेल्थ आपको मिला है, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ शानदार है, भगवान भक्ति साधना में आप हैं, हाँ, और अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, हर जगह, यानी कि मैं कह रहा हूँ ना, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, 5ों में शानदार तरीके से जिए। और जैसा कि मैंने कहा, 12 घंटे मिट्टी, 12 घंटे पानी। दिन के 12 घंटे में ही आप खाना खाएंगे और अगले 12 घंटे आप खाना नहीं खाएंगे, मतलब शरीर में पानी को रहने देंगे, आप पानी पी सकते हैं। तो 12 घंटे आप, 12 घंटे मतलब सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आप अपना जो भी खाना पीना खाते हैं, या सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जो भी आप खाना पीना खाते हैं खा लेंगे, और उसके बाद का जो 12 घंटा है पूरी तरह से फास्टिंग होनी चाहिए। चाय भी नहीं, कोई चाय नहीं, कोई दूध नहीं, कोई जूस नहीं, कोई फ्रूट जूस नहीं, कोई फलों का रस नहीं, कोई सब्जी का रस नहीं, बिल्कुल वाटर फास्टिंग मोड में रहेंगे अगले 12 घंटे। 12 घंटे में से तो 8 घंटे सोना ही है। तो इन तरीके से आप अपने मैनिफेस्टेशन को करेंगे। अब क्या क्या करना है, क्या क्या कर सकते हैं, जो लोग क्रिस्टलधारी हैं, अपने क्रिस्टल्स को हमेशा पहने रहें, अपने मैनिफेस्टेशंस को, अपने अफर्मेशंस को क्रिस्टल पे हाथ रख के ही करा करें हमेशा इस बीच में, और जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल वैसे जिए जैसे आप वो प्राप्त कर चुके हैं। हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे इन 10 दिन, गलती से भी, यहाँ तक कि वो खेलने वाला होता है ना रैकेट बैडमिंटन, उसको बैडमिंटन मत बोलो, गुडमिंटन बोलना शुरू कर दो। वर्ड्स बिल्कुल कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना, अगर गलती से भी मुँह से कुछ गलत निकल गया उसको कटमट करो, अपने चेतना में जाओ, ऐसे कटमट करो, और उसके बजे सही शब्दों का प्रयोग करो। अपने रिश्तों के बारे में पॉजिटिव बोलो, अपने पार्टनर को पॉजिटिव बातें बोलना शुरू कर दो कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आईने में जाके अपने आप से कहो कि तुम बहुत खूबसूरत हो, आई लव यू। अपना नाम लेके कहो कि धैर्यवान, आई लव यू।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया है, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अपने ऑफिस में अपने बॉस के लिए अच्छे वर्ड्स बोलने शुरू कर दो, अपने कॉलिग्स के लिए अच्छे वर्ड्स बोलने शुरू कर दो, ठीक है उन्हें बता कर मत बोले, लेकिन अच्छे वर्ड्स बोलो। अपनी गाड़ी के लिए, अपने अपनी किताबों के लिए, हाँ अपने किताबों के लिए अच्छे शब्द बोलना शुरू कर दो। जिन जिन भी किताबों को आप पढ़ रहे हैं, जिन किताबों के आप जी रहे हैं, उन सबके साथ थोड़ा इमोशनल कनेक्शन बनाइए, उन्हें बोलिए, अपनी चीज़ों को, अपने गैजेट्स को, जिन चीज़ों को भी आप अपने आसपास रखते हैं, उनसे अच्छी बातें कीजिए, उन्हें अच्छे थॉट्स दीजिए, उन्हें अच्छी बातें, उनके लिए अच्छी बातें कहिए, उन्हें थैंक्स गिविंग कीजिए कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में सुख आया है, शांति आया है। जिन चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें छूते वक्त, उन्हें इस्तेमाल करते वक्त, उनके लिए अच्छी बातें कहना शुरू कर दीजिए। ये 10 दिन, ये मान के चलिए जो पूरे साल में नहीं हुआ है, वो करिए, अजीब तरह से करिए। लोग पागल समझ सकते हैं, आप खुद में अपने आप में स्टूपिड लग सकते हैं, खेलते वक्त बोल रहे हैं कि थैंक यू सो मच कि मेरे पैर सुरक्षित हैं, मेरे पैर बहुत अच्छे हैं, मेरे हाथ अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छे से खेल पा रहा हूँ, मेरे पास कितने अच्छे दोस्त हैं, मेरा मोहल्ला कितना अच्छा है। कहीं पे कचरा कूड़ा करकट भी देख लिया तो उसको देख के मुँह नहीं बनाना, बस ये सोचना है कि जब ये साफ़ सुथरा हो जाएगा, ये जगह एकदम क्लीन होगी तो कैसी दिखेगी, और उसके लिए थैंक्स गिविंग करना है कि एक जगह साफ सुथरा है। मतलब कि जो नहीं है उससे आप अभी यहाँ क्रिएट कर लो, जो नहीं है उससे अपने अंदर जी लो, जादू हो जाएगा। साल का आखिरी टाइम है इस समय, ये 10 दिनों का जो पोर्टल खुलता है वो शानदार शक्तियों के साथ खुलता है, 12 तारीख से 21 तारीख तक। 9 दिन नहीं होते हैं, 10 दिन होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 12 को भी काउंट करते हैं और 21 को भी काउंट करते हैं। तो ये ज़रूर करें, रोज़ रात को 12:12 तक जागने की आवश्यकता नहीं है, आप दिन में कर सकते हैं या चाहो तो रात के 12:12 पे भी करो, बिल्कुल सात्विक हो जाओ। ऐसी कोई चीज़ मत खाओ, ऐसी कोई चीज़ मत पियो, ऐसा कोई कर्म ना करो जिससे आपका मन हटे। साधकों की तरह जीना शुरू कर दो, उजले रंग के कपड़े पहनना शुरू कर दो, अच्छे विचार करो, मंत्र, अगर मंत्र जाप करते हैं, माला रखते हैं, जैसे ये 7 चक्र माला है, इसमें मैं अलग अलग तरह के माला यूज़ करता हूँ मंत्र जाप के लिए, तो सब अपने मंत्र जाप करें, मंत्र जाप की शक्ति को परमात्मा को दे दें। तो हर तरह का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करें, जो भी आप करना चाहते हैं कोई एक या दो को चुनें और ज़रूर करें। पूरे दिन बने रहें, खाते वक्त स्पिरिचुअली खाएं, अब भोज क्रिया करके खाएं, भोज क्रिया इसके बारे में मैंने चर्चा कर रखी है पहले ही कि भोज क्रिया में कैसे हम खाने से पहले परमात्मा को धन्यवाद करते हैं, एक एक निवाले को पूरे चेतना के साथ, पूरे आभार के साथ प्रेजेंट मोमेंट में रह करके खाते हैं। हर समय अपने गुरुओं को धन्यवाद करते रहें, अपने गुरुओं को अपनी चेतना में रखें, अपने इष्ट को अपनी चेतना में रखें, ब्रह्मांड को ये बताते रहें कि आपको क्या क्या मिल चुका है और आप क्या क्या मिलना चाहते हैं अपने जीवन में, आप दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं, संसार के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने माता पिता के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए क्या करना चाहते हैं, संसार को क्या देना चाहते हैं, गरीबों को क्या देना चाहते हैं, अमीरों को क्या देना चाहते हैं, लोगों को क्या देना चाहते हैं, आप इस संसार से क्या चाहते हैं। हमेशा इन चीज़ों को अपने चेतना में चलने दो, चलाने दो। हाँ मानता हूँ कि इन 10 दिनों में आपके साथ और भी काम होंगे, ऑफिस वर्क होगा, आपकी पढ़ाई होगी, करते रहिए करते रहिए। जब दिमाग में फालतू विचार आने रखते ना, उस टाइम आपको ये करना, अपना काम, आप पढ़ाई कर रहे हो है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ लिया, जब रेस्ट किया, जिस टाइम मोबाइल उठा के चलाने वाले, ये मत करो, रखो, सोचो कि धन्यवाद 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 कि मैं ये किताब को पढ़ पा रहा हूँ, धन्यवाद कि मेरे पास ये किताब है, मेरे हाथों में है, बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा का कि मुझे अच्छे लोगों की बातें सुननी समझने को मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आज इतने हरे पौधे के साथ बैठा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा कि मेरे पास ये सुंदर रोज़ क्वार्ट्ज कट रही है, बहुत सुंदर ये भगवान बुद्धा की मेरे पास मूर्ति है, मेरे पास चेयर है, मेरे माता पिता ने मुझे इतना अच्छे से पाला है, मुझे इतने अच्छे से बड़ा किया है, परमात्मा मुझे अच्छा खाना मिला है, मुझे जिससे मेरा सेहतमंद शरीर है, हे परमात्मा सुंदर रूप रंग आपने मुझे दिया है, परमात्मा तो सुंदर बाल मुझे दिए हैं, हे परमात्मा हाथ पर सलामत है, हाय परमात्मा मेरे हाथ, मेरे नाखून कितने सुंदर है, हे परमात्मा मेरा शरीर कितना सुंदर है, कितना, आप समझ रहे हो, बोलना शुरू करेंगे तो गिनती ख़त्म नहीं होगी, आप परेशान हो जाएंगे कि इतना कुछ मिला है भाई, किस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं। तो इस तरीके से 12:12 को हम यूटिलाइज़ करेंगे, 11:11 की तरह इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि येलो पेपर में लाल स्याही से लिखें, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको जीना होता है, और अल्टीमेटली 11:11 में आपने विश पहले ही लिख रखे हैं, उसी विश को पकड़ के लेके आओ,
देखो क्या चाहिए था, तो उस विश को 10 दिनों में जीना है, तो 11-11 को आपको क्लियर हो चुका है कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, है ना। तो आशा करता हूँ 12-12 से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज 1 तारीख है, आज से ही 12 तारीख तक ही आप इसमें कभी भी इस अगर वीडियो को देख पाए हैं तो आपके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है ये, और भाग्य आपसे चाहता है, यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप इन चीज़ों को समझो, सीखें और करें। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते अजी।